चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे साल 1986 में आने वाली कुछ बड़ी फिल्मों के बारे में। और दोस्तों वहीं पर जानेंगे इन सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। और दोस्तों वहीं पर जानेंगे कि साल 1986 में इन सभी फिल्मों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कौन सी फिल्म थी और नंबर वन पर कौन सी फिल्म थी। आखिर किस अभिनेता की मूवियों ने मारी थी बाजी ये साल किसके नाम, तो सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली फिल्म की। तो फिल्म का नाम था धर्म अधिकारी। ये मूवी साल 1986 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे दिलीप कुमार, जितेंद्र, श्रीदेवी इसमें अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 1.5 करोड़ रुपये था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2.80 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1986 में। फिल्म का नाम था अमृत। इसमें हमें नजर आए थे राजेश खन्ना, इसमें अहम किरदार में थे। और ये फिल्म रिलीज हुई थी 27 जून साल 1986 को। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1.20 करोड़ रुपये था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 2.95 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 5.20 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई। अगली फिल्म आई थी साल 1986 में। फिल्म का नाम था घर संसार। ये मूवी साल 1986 में रिलीज हुई थी। इसमें हमें नजर आए थे जितेंद्र, श्रीदेवी इसमें अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1.60 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 3 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 4.51 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1986 में। फिल्म का नाम था मुद्दत। इसमें मिथुन चक्रवर्ती के साथ जयप्रदा और पद्मनी कोल्हापुरी भी इसमें अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1.50 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 3.06 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 5.76 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी जानबाज। ये मूवी साल 1986 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे अनिल कपूर, डिंपल कवाड़िया, फिरोज खान इसमें अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1.30 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 3.20 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 5.50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1986 में। फिल्म का नाम था ऐसा प्यार कहाँ। ये मूवी साल 1986 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे जितेंद्र, पद्मनी कोल्हापुरी, मिथुन चक्रवर्ती, जयप्रदा इसमें अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1 करोड़
80 लाख रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 3.26 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 4.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1986 में, फिल्म का नाम था इल्जाम। ये मूवी साल 1986 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे गोविंदा, ऋषि कपूर, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा और पद्मिनी कोल्हापुरी इसमें अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 155 करोड़ रुपये था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 3.5 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 6.40 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1986 में, फिल्म का नाम था जीवा। ये मूवी साल 1986 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे संजय दत्त के साथ और भी एक्टर इसमें अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1.40 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 3.60 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 4.26 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1986 में, फिल्म का नाम था मैं बलवान। ये मूवी साल 1986 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नज़र आए थे मीनाक्षी के साथ मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 1.60 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 3.70 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 7.70 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1986 में, फिल्म का नाम था जाल। ये मूवी साल 1986 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र, रेखा इसमें अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 1.90 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 8 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 8 करोड़ से कम का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी।